चलिए रुक करेंगे खबरों का। कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इनकम टैक्स अधिकारी के शव को परिवार ने 1.5 साल तक सिर्फ घर में ही नहीं रखा बल्कि पूरा परिवार उसके साथ सो भी रहा था। परिवार के लोगों ने बताया था कि आयकर अधिकारी कोमा में है। हालांकि अस्पताल ने 1.5 साल पहले ही उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। घर में शव होने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और शव को जांच के लिए हैलट अस्पताल भेजा गया। अधिकारी के अप्रैल 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी। परिजनों ने यह कहकर अंतिम संस्कार स्थगित कर दिया था कि मृतक को होश आ गया है। इसके बाद करीब 1.5 साल से मृतक का शव घर के अंदर एक पलंग पर रखा रहा। कोमा में हमारा ये कहने का जो डेथ सर्टिफिकेट ये मोती अस्पताल का जो दिखा रहे हैं इसमें ना स्टैंप है ना डॉक्टर का नाम है ना सेमो का नाम है। जब डेथ सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से इशू होती है प्राइवेट अस्पताल से भी इशू होती है तो उसमें स्टैंप और नर्सिंग होम का नाम अस्पताल डॉक्टर का नाम ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अंकित होता है। नहीं वो घाट वाले मानेंगे नहीं या रास्ते हमारा ये महीने में कि कोमा में आदमी तो दो दो तीन तीन साल भी रहते हैं लेकिन अब जो हैलट गई है डेड बॉडी हैलट में जो डॉक्टर वहाँ बताएंगे वही बात मानी जाएगी भाई। नहीं जब अन्न नहीं खाएगा आदमी 6 महीने से अन्न नहीं खाएगा तो कंकाल तो हो ही जाएगा है कंकाल तो हो ही जाएगा लेकिन अब हैलट गई है हैलट में जो डॉक्टर कहेंगे वही बात मानी जाएगी भाई। हम लोगों के कहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं जो अस्पताल में डॉक्टर कहेंगे वही मानी जाएगी। थैंक यू। जब वो डॉक्टर साहब आए यहाँ के अर्बन पीएससी के उन्होंने देखा तो उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी। सीमो साहब को बताया कि सर वो ऑलरेडी डेड है और कैडबरी कंडीशन में बॉडी है वो रिपोर्ट दी। तो जब ये रिपोर्ट मिल गई तो सीमो साहब ने डीएम साहब के लिए लेटर लिखा। ये लेटर जब जूस दिए सामने आपके देख लीजिए लेटर लिखा कि इसमें जो सुन लीजिए इसमें जो है आप जो है वो एक टीम गठित उन्होंने कर दी सीमो साहब ने। टीम गठित करने के बाद में ये डीएम साहब के लिए कहा कि मजिस्ट्रेट जो है कोई नियुक्त कर दिया जाए और एक जो है डीसीपी यहाँ के कंसर्न एरिया के जो भी हमारे एसीपी साहब हैं उनके लिए भी गया। डीसीपी वेस्ट को भी लेटर गया है इस सीमो साहब का। तो उसी नहीं इसमें नहीं लिखा है इसमें तो जेडो साहब ने जो जहाँ ये नौकरी करते थे उनके एचओडी ने लेटर भेजा सीमो साहब को क्योंकि हाँ इन लोगों ने कहा कि हमारा आदमी मरा नहीं है आप इनके ऑफिस में ऐसा कहा होगा। तो वो जो उन्होंने लेटर भेजा सीमो साहब को कृपया आप अपनी टीम भेज करके पता करा दिए कि आदमी डेथ हुआ कि नहीं हुआ है। सुन लीजिए तो मेरी टीम जब यहाँ पर आई है पहले तो उन्होंने घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं अभी हमारे आदमी की सांस चल रही है ठीक है। जब वहाँ पे चूंकि वो ऑलरेडी कैडबरी कंडीशन में है कैडबरी का मतलब जो ये कि डेथ काफ़ी समय पहले हो चुकी है लगभग साल भर से पहले ही डेथ हो चुकी होगी। और उसके बाद जब यहाँ देखा तो ये लोग जो है इस चीज़ को मानने को तब भी तैयार नहीं हमारे साथ में कोमा में हमारा ये